18 में एक बार फिर विवेन ने चली ये बड़ी चाल, बिग बॉस ने कर दिया ये 7 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट। आखिर कौन होंगे इस वीकेंड घर से बेघर? विवेन ने चली अपने सबसे बड़ी चाल, रजत और विवेन के दुश्मनों की लग गई लंका। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, वीकेंड का वार खत्म हो चुका है और बिग बॉस ने अपना सबसे बड़ा पासा फेंक दिया है। टाइम गॉड के साथ मिलकर बिग बॉस ने एक नई चाल चली है। टाइम गॉड को दे दिया है ऐसी बड़ी पावर जिसके बाद विवेन ने किया है कुछ ऐसा कारनामा जिसके बाद विवेन के दुश्मनों की चिट्ठी बिट्टी गुल हो गई है। आखिर क्या किया है विवेन ने जिसके बाद रजत, दिग्विजय और विवेन के दुश्मन कांप गए हैं? आखिर क्या है बिग बॉस की चाल जिसमें फंस गए हैं ये 7 कंटेस्टेंट? दरअसल बिग बॉस ने टाइम गॉड चुना है और टाइम गॉड को आर्काइट रूम में बुलाया, यानी कि विवेन दिसेना को, और विवेन को दी एक बार फिर ये बड़ी पावर कि विवेन तुम बताओगे कि कौन कौन कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट है। जाहिर सी बात है यहाँ पर विवेन के पास एक बहुत ही स्पेशल और बड़ी पावर है कि विवेन जिसको चाहे उसको सेव कर सकते हैं और जिसको चाहे उसको वो नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्ट घर से बेघर होने के लिए। और इस लिस्ट में जो नाम आया उसके पहले बिग बॉस ने एक पोस्टमैन का गेटअप दिया है विवेन को, और विवेन आ चुके हैं घर में पोस्टमैन बनकर, जिसे वो कॉल करेंगे और वो इंसान बताएगा कि आखिर वो किसे नॉमिनेट करना चाहता है और क्यों नॉमिनेट करना चाहता है। लेकिन आखिरी डिसीजन हमेशा विवेन का रहेगा और यही चाल चली है दोस्तों बिग बॉस ने कि विवेन दिसेना को दे दिया है बड़ा पावर कि विवेन बताएंगे कि कौन घर में रहने के लायक है और किसे घर से बेघर करना चाहिए। विवेन ने किया है सबसे पहले अपने दोस्तों को सेफ। दरअसल करणवीर करना चाह रहे थे एलिश को नॉमिनेट, चुगली गैंग में से दो लोग यानी कि ईशा और एलिश जो सिर्फ और सिर्फ चुगली करने के लिए जानी जाती हैं उन्हें नॉमिनेट करने से बचा लिया है विवेन दिसेना ने। और इसकी एक बड़ी वजह है कि विवेन की ग्रुप का हिस्सा है तो विवेन को एलिश ने बचा लिया है नॉमिनेट होने से। तो आखिर किसको कर दिया है नॉमिनेट? दरअसल विवेन ने करणवीर को ही कर दिया है नॉमिनेट। करणवीर एक बार फिर नॉमिनेट हो चुके हैं और यही नहीं विवेन दिसेना के सारे दुश्मन नॉमिनेट हो चुके हैं। विवेन ने रजत दलाल को, दिग्विजय को और साथ ही साथ श्रुतिका को भी नॉमिनेट कर दिया है। तो श्रुतिका भी इस वीकेंड के वार पे नॉमिनेट होने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इस बार फिर बग्गा पाजी जो है वो सेफ हैं। भले ही बग्गा पाजी इस घर में क्या कर रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता हो और जनता भी अब बोर हो चुकी है बग्गा और सारा से, लेकिन बिग बॉस ने और विवेन ने अपनी स्पेशल पावर यूज़ करते हुए बग्गा को सेफ कर लिया है और नॉमिनेट हो चुके हैं दिग्विजय राठी, रजत दलाल, श्रुतिका और साथ ही साथ सारा आफरीन। सारा आफरीन के साथ साथ करणवीर मेहरा जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, करणवीर को भी नॉमिनेट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वीकेंड का वार जो नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी क्योंकि ये 6 कंटेस्टेंट जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग कंटेस्टेंट हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है ये है विवेन के फैंस के लिए कि विवेन के ग्रुप से किसी को भी नॉमिनेट होने से बचा लिया है विवेन ने और एक बार फिर अपनी दोस्ती को प्रूफ कर दिया है कि जो विवेन के साथ खड़ा है उसके साथ विवेन आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। लेकिन जब बात आती है दुश्मनी की तो विवेन दुश्मनों के साथ तो सबसे बड़े दुश्मन हैं और ये खुद ब खुद विवेन ने प्रूफ भी कर दिया है इस नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया को वन साइडेड करके। फिलहाल के लिए ये थे वो 6 कंटेस्टेंट जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। वेल, आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है किस कंटेस्टेंट को घर से बेघर करना चाहिए था, क्या ये फेयर नॉमिनेशन हुआ है या फिर आपको लगता है कि बिग बॉस ने स्पेशल पावर देकर विवेन को सिर्फ और सिर्फ ये पावर दी है कि विवेन जिसे चाहे वो घर से निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल अनफेयर है? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।